Hello friends, now we are going to study a new topic to find divisor. How to find divisor? Divisor कैसे find करते हैं किसी number का? देखिए यहाँ पर when we will divide two, two किसी किसे divide होगा? One से divide हो सकता है और two से divide हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए divide करेंगे ये वाला जो बाहर वाला था जो divide करता है वो divisor कहलाता है. ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए one two जा two. ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये quotient कहलाता है. फिर यहाँ पर देखिए two minus two zero, ये क्या कहलाएगा? remainder कहलाएगा. ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से. ठीक है, 2 2 कैन बी ओनली डिवाइडेड बाय 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 आर द डिवाइजर ऑफ 2 एंड 1 एंड 2 आल्सो द फैक्टर ऑफ 2. ठीक है, 1 एंड 2 क्या फैक्टर इनटू 2 के और 1 एंड 2 डिवाइजर इनटू 2. ठीक है, देखिए हम 2 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2. ठीक है, 2 माइनस 2 0, ये क्या कहलाएगा? ये डिवाइजर इधर वाला. ठीक है, इस साइड वाला क्या कहलाएगा? ये क्वेश्चन कहलाएगा. ठीक है, फिर यहां पर देखिए ये जो डिवाइड हो रहा है वो कहलाएगा डिविडेंड. तो यहाँ 2 माइनस 2 यहाँ पर जो आया नीचे ये रिमाइंडर कहलाएगा. ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर 2 पे कितने फैक्टर हुए? 1 एंड 2. 2 पे दो फैक्टर होते हैं. ठीक है, और 2 के डिवाइजर भी कितने हुए? जितने फैक्टर होते हैं किसी नंबर के, जितने फैक्टर होते हैं उतने ही उस नंबर के डिवाइजर होते हैं. ठीक है, सपोज करिए 3 के फैक्टर हैं 1 एंड 3. ठीक है, तो 3 के डिवाइजर क्या होंगे? 1 एंड 3. 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 4. ठीक है, तो 4 के कितने डिवाइजर होंगे? 4 के डिवाइजर 1 टू 4, वही होंगे सेम. फैक्टर्स क्या होते हैं? डिवाइजर होते हैं किसी नंबर के. सी हियर, फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच टू पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल. देखिए हम किस तरह से दो पॉइंट्स हैं, दो सिक्के हैं. ठीक है, उन्हें रेक्टेंगुलर में शेप में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे हम रख सकते हैं एक कॉइन यहाँ पर, एक कॉइन यहाँ पर. ठीक है, तो रेक्टेंगल बन गया. देखिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे भी हम कॉइन को अरेंज कर सकते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए, एक ऊपर एक यहाँ पर नीचे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1 इंटू 2. ठीक है, ये 1 क्या है यहाँ पर? ये 1 1 रो है. ठीक है, 1 रो इधर वाले जो कहलाता है रो कहलाता है. यहाँ पर ये जो कहलाता है इस साइड हॉरिजॉन्टल ये रो रहता है. ठीक है, और जो ऐसे वर्टिकल रहता है ये कॉलम रहता है. ठीक है, सी ओ एल यू एम एन. ठीक है, ये कॉलम रहता है और ये वाला जो रहता है ऐसे हॉरिजॉन्टल रो रहता है. ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 रो है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा. ठीक है, 1 into 2, 2 क्या है? कॉलम है, 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखे हुए हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, तो 1 into 2 is equal to 2. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी को, जैसे कि किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर का डिवाइजर कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 का डिवाइजर क्या हुआ? यहाँ पर 2 का डिवाइजर 1 हुआ. ठीक है, 1 से देखिए डिवाइड हो रहा है 2, 1 2 जा 2. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का डिवाइजर और क्या हो सकता है? 2 हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2. ठीक है, 2 का डिवाइजर 1 है और 2 का डिवाइजर 2 है. ये दोनों क्या डिवाइजर है? ये डिवाइजर है. ठीक है, यहाँ पर ये दोनों डिवाइजर. ठीक है, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 2 जा 2. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर लिखा मतलब 2 रोज. ये देखिए 2 रो है, 1 रो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और कॉलम कितना? कॉलम 1 है. ऊपर देखिए ये 1 कॉलम. ठीक है, एक कॉलम में ऐसे करके अरेंज किया गया पॉइंट्स को, 1 एंड 2, 2 कॉइन को रेक्टेंगुलर शेप बनाने के. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपने पढ़ना है? यहाँ पर पढ़ना है कि इसके डिवाइजर कितने होंगे. 2 के डिवाइजर, 2 के डिवाइजर 1 है, 2 के डिवाइजर 2 है. ठीक है, 2 कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स, दो नंबर्स आर 1 एंड 2. ठीक है, 2 केवल दो नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो नंबर 1 एंड 2 है, एंड दो नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 2. ठीक है, फैक्टर ऑफ 2 कहलाएंगे वो नंबर 1 एंड 2. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल. ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, मतलब ये 4 सिक्के यहाँ पर, इसे अरेंज करना हमें रेक्टेंगुलर शेप में. ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से. ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे रख सकते हैं 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लाइन में कॉइंस को हम रख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं. देखिए हम 1 2 3 4 4 पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल में. ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 रो है, एक रो में मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पर 1 रो एंड 4 कॉलम, 1 into 4 4. ठीक है, तो 4 के डिवाइजर क्या हुआ? 4 का डिवाइजर एक 1 है. ठीक है, और क्या यहाँ पर देखें किस तरह से अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर अरेंज हमें करना है 4 पॉइंट को किसी भी तरह से. ठीक है, इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर रेक्टेंगल, यहाँ रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दो रो है यहाँ पर, देखिए 1 रो एंड सेकंड रो. ठीक है, और दो कॉलम भी है 1 2. ठीक है, तो देखिए
टू टू या फोर, टू रोज एंड टू कॉलम, ठीक है, टू टू या फोर, इस तरह से हम फोर पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए फोर का डिवाइजर फैक्टर वन है, फोर का डिवाइजर फैक्टर टू है, एंड फोर का डिवाइजर यहाँ पर फोर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे अरेंज किया, यहाँ पर वर्टिकली वर्टिकली कॉलम बनाया, उसने वर्टिकली अरेंज किया फोर पॉइंट्स को, वन टू थ्री फोर, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोर रोज है, वन टू थ्री फोर एंड वन कॉलम है, ठीक है। तो फोर इंटू वन फोर, सो द फैक्टर्स ऑफ फोर आर वन टू एंड फोर, एंड इट इज ऑल्सो द डिवाइजर ऑफ फोर, डिवाइजर ऑफ फोर आर हेयर वन टू एंड फोर, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है डिवाइजर है, वन टू फोर, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ देखिए फोर टू वन, ये भी डिवाइजर कराएंगे। सो यहाँ पर डिवाइजर क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ फोर इक्वल टू वन टू एंड फोर। देखिए फोर का डिवाइजर क्या गया, वन टू फोर, इन्हीं तीन नंबर से दीज थ्री नंबर्स कैन डिवाइड फोर, मतलब ये तीन नंबर डिवाइड कर सकते हैं फोर को, और कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए डिवाइजर्स ऑफ टू इज इक्वल टू वन एंड टू, ओनली वन एंड टू कैन डिवाइड टू, नन ऑफ द अदर नंबर कैन डिवाइड टू, ठीक है। केवल वन एंड टू डिवाइड कर सकते हैं टू को, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, वन एंड टू आर द डिवाइजर ऑफ टू एंड इट इज ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ टू, ठीक है। सी पॉइंट नंबर थ्री, द नंबर ऑफ बेस इन विच सिक्स पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। यहाँ पर देखिए सिक्स पॉइंट्स है, मैंने वन पॉइंट और टू पॉइंट्स को पढ़ चुका, वन टू पॉइंट्स एंड फोर पॉइंट्स, ठीक है, टू पॉइंट्स एंड फोर पॉइंट्स का हमने पढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए सिक्स पॉइंट को कैसे अरेंज करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पॉइंट्स है, ठीक है, जिसे हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया गया है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए वन क्या है, वन रो है, एक रो है, ठीक है, यहाँ पर सिक्स कॉलम है, ठीक है, वन टू थ्री फोर सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कॉलम एंड वन रो। यहाँ पर वन क्या है, वन इज द डिवाइजर ऑफ सिक्स। यहाँ पर इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं सिक्स पॉइंट को, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यहाँ पर थ्री रोज हैं, वन टू थ्री, टू कॉलम्स हैं, वन टू, ठीक है, थ्री रोज टू कॉलम, ठीक है, थ्री टू या सिक्स। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, थ्री क्या है, थ्री इज द डिवाइजर ऑफ सिक्स, ठीक है। यहाँ पर इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं सिक्स पॉइंट को, वर्टिकली वर्टिकली अरेंज किया मैंने पूरा सिक्स पॉइंट को, ठीक है, एक कॉलम में, ठीक है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर देखिए वन कॉलम है, सिक्स रो है, वन कॉलम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स रो, ठीक है। यहाँ पर सिक्स क्या है, सिक्स इज द डिवाइजर ऑफ सिक्स एंड वन इज ऑल्सो द डिवाइजर ऑफ सिक्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने अरेंज किया है सिक्स पॉइंट को, टू रोज हैं, वन टू, ठीक है, और थ्री कॉलम है, वन टू थ्री, ठीक है, टू थ्री या सिक्स, ये टू क्या है, टू इज ऑल्सो द डिवाइजर ऑफ सिक्स। यहाँ पर देखिए डिवाइजर ऑफ सिक्स क्या करने के लिए, यहाँ पर डिवाइजर्स ऑफ सिक्स इज इक्वल टू, सिक्स के डिवाइजर देखिए क्या क्या है, वन, ठीक है, वन है, यहाँ पर देखिए थ्री है, थ्री और सिक्स और टू, ठीक है, ये फोर डिवाइजर, दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ सिक्स व्हिच कैन डिवाइड सिक्स एग्जैक्टली, ठीक है, ये सिक्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये हम फैक्टर भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स एंड दीज आर ऑल्सो द डिवाइजर्स ऑफ सिक्स। ये नंबर फिर तरीके से समझा लो, सिक्स को हमें अरेंज करना है वर्टिकल, सिक्स को अरेंज करना है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, किसी भी तरह से। यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल में हमने अरेंज किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, यहाँ पर वन रो है, सिक्स कॉलम है, वन सिक्स या सिक्स। यहाँ फैक्टर क्या होगा, फैक्टर यहाँ पर वन है सिक्स का, और ये डिवाइजर भी वन है, फैक्टर डिवाइजर एक ही रहता, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सारे फैक्टर्स हैं सिक्स के एंड दीज आर ऑल्सो द डिवाइजर्स ऑफ सिक्स। यहाँ पर अरेंज किया गया, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर शेप में सिक्स पॉइंट्स को इस तरह अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दो दो पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं, दो पॉइंट नीचे, दो पॉइंट उसके नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए टू कॉलम्स है एंड थ्री रोज है, ठीक है, थ्री टू या सिक्स, सिक्स पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर देखिए वन कॉलम है, सिक्स रोज है, यहाँ पर सिक्स वन या सिक्स वन या सिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए थ्री कॉलम्स हैं, टू रोज हैं, ठीक है, तो टू थ्री या सिक्स। तो इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सिक्स का डिवाइजर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं डिवाइजर कैसे निकले, यहाँ पर कहाँ निकले, देखिए ये डिवाइजर है वन, वन डिवाइजर है, थ्री डिवाइजर है, सिक्स डिवाइजर है, टू डिवाइजर। यहाँ देखिए मैंने डिवाइजर निकाल दिया सिक्स का, वन थ्री सिक्स एंड टू, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन टू थ्री एंड सिक्स, दीज आर द डिवाइजर ऑफ सिक्स। ये क्या कहलाते हैं, ये फैक्टर्स भी कहलाते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ सिक्स, ये सिक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
अगेन कंसिडर द नंबर 6, ठीक है। फिर नंबर 6 का हम डिवाइजर फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑन डिवाइडिंग 6 बाय 1, एक नंबर से हम डिवाइड करेंगे 6 को, ठीक है। फिर हम डिवाइजर फाइंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि नंबर से किस किस नंबर से 6 डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग 6 बाय 1 वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू 6 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देखिए 6 को यहाँ पर डिवाइड किया गया 6 1 से, ठीक है। 1 6 6 6 माइनस 6 0 0। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 6 है ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर है 0। सो 1 इज द डिवाइजर ऑफ 6 बिकॉज 1 एग्जैक्टली डिवाइड द 6, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, ऑन डिवाइडिंग 6 बाय 2 वी गेट वी हैव टू डिवाइड 6 बाय 2, ठीक है। 2 3 जा 6, सो 6 माइनस 6 0, हियर 3 इज द क्वेश्चन एंड 0 इज द रिमाइंडर। सो 2 2 कैन डिवाइड 6 एग्जैक्टली, सो 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6, क्योंकि यहाँ पर 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 मीन्स 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ऑन डिवाइडिंग 6 बाय 3 वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 6 को डिवाइड किया गया 3 से, 6 इज डिवाइडेड बाई 3, सो 3 टू जा 6, 6 माइनस 6 0, हियर 2 इज द क्वेश्चन एंड 0 इज द रिमाइंडर, हियर रिमाइंडर इज 0, सो इट मीन्स 3 कैन एग्जैक्टली डिवाइड 6, मीन्स 3 इज द डिवाइडर ऑफ 6। यहाँ पर देखिए फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 6 को डिवाइड किया गया 1 से, ठीक है। तो 1 6 जा 6, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है 1 से, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, ठीक है। 1 6 जा 6, रिमाइंडर 0, सो इट मीन्स 1 इज द डिवाइजर ऑफ 6। सेकंड पॉइंट, 6 को डिवाइड किया गया 2 से, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, 0 इज द रिमाइंडर, मीन्स 2 कैन एग्जैक्टली डिवाइड 6, सो 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पर 1 क्या है, 1 डिवाइजर हो गया 6 का, 2 डिवाइजर हो गया, यहाँ पर सेम एज इट इज, यहाँ पर 3 भी डिवाइजर है 6 का, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, 3 टू जा 6, 6 माइनस 6 0, ठीक है। सो 1 2 एंड 3 आर द डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। सी हियर फोर्थ पॉइंट, ऑन डिवाइडिंग 6 बाय 4, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 2, हियर 1 इज द क्वेश्चन एंड 2 इज द रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, रिमाइंडर 2 है, ठीक। रिमाइंडर देखिए 0 नहीं आया, सो इट मीन्स 4 इज द नॉट डिवाइजर ऑफ 6, 4 कैन नॉट कम्प्लीटली डिवाइड 6। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं, इसका मतलब कि 4 क्या है, 6 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 4 6 का डिवाइजर नहीं और 4 6 का भी फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ कन्फर्म हो गया कि 4 जो है 6 का डिवाइजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब कम्प्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर यहाँ 2 है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए 4 जो है 6 का डिवाइजर नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, ऑन डिवाइडिंग 6 बाय 5 वी गेट, यहाँ पर देखिए 6 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर यहाँ पर 1 आया, 0 नहीं आया, तो इट मीन्स 5 इज ऑल्सो नॉट द डिवाइजर ऑफ 6, 5 भी डिवाइजर नहीं है 6 का, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा 6 को। यहाँ पर 6 पॉइंट, ऑन डिवाइडिंग 6 बाय 6 वी गेट, यहाँ देखिए 6 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 1 जा 6, सो 6 माइनस 6 0, यहाँ पर रिमाइंडर क्या 0, हियर रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स 6 कम्प्लीटली डिवाइड्स 6, सो 6 इज द रिमाइंडर, सो 6 इज द डिवाइजर ऑफ 6 एंड इट इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 6। सो इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट द डिवाइजर ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 6 इक्वल टू, 6 के डिवाइजर कौन कौन से हुए देखिए यहाँ पर 1, ठीक है, 2 3 एंड 6, ठीक है। 4 5 देखिए डिवाइजर नहीं है यहाँ पर, देखिए क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, देखिए 4 में 4 से डिवाइड किया मैंने 6 को, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 2 आ रहा है, 0 नहीं है, तो ये डिवाइजर नहीं हुआ, 4 डिवाइजर नहीं है 6 का। यहाँ पर मैंने 6 को डिवाइड किया 5 से, तो रिमाइंडर क्या है 1 है, 0 नहीं है, ठीक है, तो सो 5 का ऑल्सो नॉट द डिवाइजर ऑफ 6, 5 क्या है 6 का डिवाइजर नहीं है, ठीक है, और 4 भी नहीं है, 6 क्या है 6 है और 1 है 2 है 3 है, द डिवाइजर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 6, इट इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 6। See here, the divisor of 6 is equal to 1, 2, 3 and 6. These are the factors and these are also the divisor of 6 because these number can exactly divide 6. ठीक है, ये number 6 को exactly divide करते हैं. So
That's why these numbers are called the factors of 6, or we can also say that these numbers are divisors of 6.